कि आज का ब्लॉग ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत देख रहे हो, गुड आफ्टरनून से हो रही है और लोकेशन देख सकते हो कि भाई रोड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। क्योंकि आज का ब्लॉग ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दिल्ली के यूट्यूबर है जीएस पाजी है, तो आज उनका मीटअप है मोहाली में, तो आज उसी मीटअप में जा रहे हैं हम और मेरे साथ संदीप भाई, नहीं बहुत सारे राइडर्स आने वाले हैं। वैसे ही आज चंडीगढ़ में काफ़ी दूर दूर से आने वाले राइडर्स। सो गाइस यार चलो हम भी चलते हैं, और मेरे साथ है संदीप भाई और मैंने लोकेशन लगा दी है क्योंकि मैं मोहाली की तरफ जाता नहीं, तो मैंने अपनी बाइक में लोकेशन लगा दी है। तो आज का ना तगड़ा वाला ब्लॉग होने वाला, तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक वॉच करना इस वीडियो को। तो चलो यार लेट्स गो, चलते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। तो हाँ से इतनी ज़्यादा फूल रही है। सो गाइस लेट्स गो, चलते हैं भाई संदीप भाई। सो गाइस लेट्स गो, चलते हैं और मेरे साथ अभी संदीप भाई, देख रहे हो, देखो बिली भाई, देख रहे बिली मार रहे भाई। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हो कि धुंध कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो भाई यहाँ से अभी कितना किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है पंचकुला से। तो वो डॉगी देख सकते हो भाई, भालू जा रहा है, भालू पकड़ो इस भालू को। सो गाइस लेट्स गो, चलते हैं और पाजी से मिलते हैं, जेस पाजी से, यूट्यूबर के काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, तो भाई आज उनसे मिलते हैं। और मैंने अपनी बाइक में मैप लगा दिया क्योंकि मेरे को पता नहीं है, मोहाली में बहुत ही कम जाता हूँ। तो जो मीटअप है 82 सेक्टर में है, तो भाई चलते हैं फटाफट पावर के साथ। और काफ़ी अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं दिल्ली के, तो आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर उनकी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी लगती है शुरुआत से, उनको काफ़ी 1-2 साल से मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार उनकी वीडियोज़। वो भाई साउंड देख रहे हो कड़क यार, एक नंबर भाई, काफ़ी एक्साइटमेंट है भाई। जब भी आप किसी बड़े यूट्यूबर से मिलते हो ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनके मीटअप में। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं किसी बड़े यूट्यूबर के मीटअप में। उन्हें टाइमिंग था 12:30 बजे का और अभी टाइम हो रहा है 12:30 के ऊपर हो चुके हैं, तो देख सकते यार अभी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वैसे तो भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने ग्लव्स ही पता नहीं कहाँ छूट गए, देख सकते हो कि हाथ कितने ज़्यादा रेड रेड हो गए भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यार। गाइस मैंने आज अगर वाइजर ऊपर कर दिया ना भाई, इस पे लग रही है भाई, और इतनी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है ना ठंडी में, सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है ठंड में, पता है। ओहो सो गाइस लेट्स गो, पहुँच चुके हैं हम अभी यहाँ पर लाइटों पर, और तो यहाँ पे लाइटों पे रुक चुके हैं। और संदीप भाई की बाइक का जो एग्जॉस्ट का वो रहता है ना डीवी किलर, वो गुम हो चुका कह रहे हैं। गाइस यहाँ से अभी ऑलमोस्ट है 24 मिनट का है, मतलब 12 किलोमीटर है। तो यार फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि कैसा ब्लॉग होता है और कैसा कैसा मीटअप होता है। तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं किसी बड़े यूट्यूबर के मीटअप में, 12:40 हो चुके हैं, इतना हो जाए हम। और संदीप भाई ने बहुत ज़्यादा लेट करा, इनको बोल दिया था मैंने जल्दी आ जाना, बट यार ये पहले मैं अकेले जाने वाला था, फिर मैंने कॉल करके पूछा, काफ़ी दोस्तों को पूछा कि चलो यार चलना, तो कह रहे थे कि यार किसी को टाइम नहीं है, किसी दिन ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी रहती है, तो मेरी छुट्टी मैं टाइम निकाल के अभी जा रहा हूँ भाई। तो देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है लिटरली में भाई, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा बंदे से, पता है यही होता है कि यार ठंडी इतना ज़्यादा हो रही है ना इस बार की, जल्दी इस बार की ठंडी ना बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ही क्रेजी ठंडी है भाई। और बाकी हाथ देख सकते हो कितना ज़्यादा सुन हो चुके हैं, तो ये देखो साउंड। और व्हील कवर लगाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरी बाइक पे, भयंकर, किसी भी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। भाई पुलिस वाले भी यहाँ पे रुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, भयंकर, जैसे हेलमेट का वाइजर ऊपर कर रहा हूँ ना सीधा। सो गाइस अभी है यहाँ से 17 मिनट का रास्ता है,
भाई इतनी ज़्यादा ठंड, चंडीगढ़ की ठंड ने तो मार दिया भाई, इंसान को मार देगा भाई। भाई इतनी ठंड तो गाँव में भी नहीं होती जितनी ठंड यहाँ हो रही है भाई। और गाड़ी वाले बिल्कुल भी नहीं देख रहे भाई। और संदीप की बाइक की पावर देखो, देख रहे हो? ओ भाई उसने भी लगा रखा, फुल सिस्टम नहीं लगा रखा उसने। फिर ये जो हालत हो रही ना अभी, बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। गाइस फाइनली भाई, सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम मीटअप पॉइंट पे। और भाई अभी देख सकते हो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फाइनली देख सकते हो भाई पहुंच चुके भाई। क्रेजी यार, क्रेजी, देख रहे हो गाइस। चेक करो भाई, अनलिमिटेड यार, हायाबुसा देख रहे हो, काफी बाइक्स आ रखी यहाँ पे। चेक करो जेड एस टेन, और ये है हायाबुसा हार्ले डेविडसन, देख सकते हो भाई अपनी भी ड्रीम बाइक है, एक दिन जरूर आएगी एक दिन हमारे पास भी। तो बाकी मेहनत जा रही है, बाकी ये देख सकते हो मीटअप पॉइंट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइडर्स आ रखे हैं और काफ़ी बाइक्स बाहर लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है हायाबुसा। ओके लवली पीपल, सबनो सरसरीकाल, की हाल चाल? बढ़िया, क्या बात है, आवाज नहीं आई अभी, लग रहा है किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, एक बार फिर से हो जाए, की हाल चाल? सरसरीकाल। अब ये बताओ बर्नआउट किसको देख रहा है नीलिमा पे? बहुत बढ़िया है, सुबह
बिकॉज अगर इन रक्षण वेब को आप देखते हो तो अब ये बोलते हैं मोबाइल वगैरह अब यूट्यूबर शायद ही बोलोगे या बोलोगे तो कैटेगरी वाइज यू से ही इज अ वोट आउट ब्लॉगर तो मेरे को आइडेंटिटी इस बाइकिंग कम्युनिटी से मिली है एक बहुत ही अच्छा इमोशन है बाइकिंग सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बाइक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे इस अच्छी बाइकिंग कम्युनिटी के लिए दूसरी चीज है मैं सिर्फ अर्ज करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे वीडियोस आप लोग देखते हो मेरा मैसेज अगर क्लियर आपको उसमें से रिफ्लेक्ट होता है तो यही है कि अच्छे राइडिंग गियर्स पहनो हेलमेट पहनो है ना और सेफ चलाओ किसी से प्रोवोक मत हो इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग एज सिंपल एज दैट जब तक इसको एंजॉय कर रहे हो यू विल लर्न मोटरसाइकिल अगर अभी कुछ लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेटर ऑन कि जैसे किसी को बाइक पसंद नहीं है बट वो सिर्फ कैमरे के लिए कर रहा है सो मे बी ही विल नॉट एंजॉय एंड ही विल पुट हिज लाइफ एंड अदर्स लाइफ एट रिस्क तेज चलाने तो ये मैं कभी एंडोर्स करता नहीं हूँ और मैं चाहता नहीं हूँ तो मैं आप लोगों से यही अभी फिर से रिक्वेस्ट करूंगा ऑलवेज वेयर प्रॉपर राइडिंग गियर्स एंड ऑलवेज राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है राइडिंग जैकेट्स और यहाँ पे हेलमेट और बाइक्स देख सकते हो भाई क्या गजब और यहाँ पे तुम्हारा भाई है देख सकते हो और बाकी यहाँ पे जैकेट देख सकते हो तो गाइस फाइनली देख सकते हो कि भाई मीटअप ख़त्म हो गया और भाई इस भाई से मिल चुके काफ़ी अच्छा लगा और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेजी मीटअप था यहाँ पे तो अभी हमारे साथ संदीप भाई है तो कैसा लगा भाई तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टिकर देख सकते हो जेएस भाजी ने दे रखा है तो यहाँ पे सुपर बाइक आ रही है सारी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे अपनी बाइक भी लगी हुई है सो गाइस काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी लोग आ रहे थे मीटअप में तो बाकी यार चलो वीडियो यहीं पर एंड कर देता हूँ और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर देना जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में टेक केयर बाय बाय